क्लास हम लास्ट क्लास में मेरी आवाज़ आ रही सबको? लास्ट क्लास में बेटा हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, या स्टार्ट कर दिए थे एमसीक्यूज या नहीं किए थे हमने? मुझे बताइए कहाँ तक कर लिए थे हमने एमसीक्यूज डिस्कस? सारे हो गए थे? सारे तो नहीं हुए होंगे। चैप्टर 17 स्टार्ट किया था ना हमने। आई थिंक यहाँ तक कर लिया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन। सर 2004 तक। 4 तक थे? अच्छा, यहाँ तक हो गया था पूरा मास ऑफ, हाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तक आई थिंक हो गया था। सही। अच्छा, ये वन एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इसको हम जो है वो चैप्टर नंबर 19 में देखेंगे। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कोरिस्पॉन्ड टू द वर्क फंक्शन। पहले एक एमसीक्यू बेटा मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए आपके 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। इसकी कैलकुलेशन मैंने की हुई है, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। इसे चाहे तो आप लोग कॉपी भी कर लें। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इसके बराबर होता है जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल के। ठीक है, फिर मेगा या मिलियन को हम क्या लिखते हैं? एक्सपोनेंट 6। यानी कहीं अगर एक्सपोनेंट 6 लिखा हुआ है तो मैं उसकी जगह मेगा या मिलियन भी लिख सकता हूँ। अब हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें? मिलियन में। तो मिलियन की जगह मैं 10 की पावर 6 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन क्या बन गई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया किसके? 1.exp-19 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल के बराबर हो गया। अब इसमें ये 10 की पावर 6 को बेटा हम क्या करेंगे? हम इससे रिप्लेस कर देंगे 1 मिलियन से। यानी 10 की पावर 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एम भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम एम लिख देंगे, तो ये बन जाएगी, इसकी जगह हमने एम रख दिया क्योंकि हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आ गया 10 की पावर -19 और +6, तो ये कितना हो जाएगा? एक्सपोनेंट 1.6 एक्सपोनेंट -13 जूल के बराबर हो जाए। तो ये भी एक साल आया हुआ है एमसीक्यू, पहले इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी भाई, यहाँ तक कोई मसला किसी को? कर लें जल्दी से कॉपी, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल मैंने आपको क्विज में भी दिया था, अभी क्विज आपसे लिया है।
हाँ भाई हो गया कॉपी। हाँ सही है, तो ये एमसीक्यू देखते हैं। अभी हम पहले आते हैं इस पे, 2004 तक हमने कॉपी कर लिया था, 5 पे आ रहे हैं। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कोरिस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जिसको हम वर्क फंक्शन से रिलेट करते हैं। तो वर्क फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आंसर होना चाहिए इसका? उसका आंसर है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन की हमारे पास जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही। द रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ अ बॉडी, साइज ऑफ अ बॉडी, शेप ऑफ अ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। क्या लगता है क्या आंसर होगा आपको? सिद्दीक आप बताइए। जी सिद्दीक। जी सर, टेम्परेचर। दोबारा बोले सिद्दीक, क्या होगा आंसर? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इसका आंसर होगा। क्योंकि ब्लैक बॉडी में हमने पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी की रेडिएशन जो निकलती है मटेरियल में से उनका सिर्फ और सिर्फ जो इंहिसार होता है डिपेंडेंसी ओनली ऑन दी टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ लास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। ये जरा अच्छा थोड़ा सा डिफिकल्ट एमसीक्यू है कि एज अ रिजल्ट ऑफ लास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सरे तो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक्सरे जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है जो कि हम चैप्टर 19 में पढ़ेंगे। बहरहाल ये ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे वैलिड नहीं है। अच्छा जी, ये है वेवलेंथ ऑफ फोटोन इंक्रीज। तो इसको मैं ज़रा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो देखिए इसको। एमसीक्यू नंबर 25 की बात हो रही है। तो बेटा इन्होंने लास्टिक कोलिजन का जिक्र किया है कि एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है वो तसादम हुआ है, लास्टिक कोलिजन हुआ है, दोनों आपस में जो है वो कोलाइड कर गए। तो इलास्टिक कोलिजन की जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं कि एनर्जी इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो कुछ इस तरह से फॉर्मूला के एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बेटा एनर्जी जो है वो हमेशा पहले ज्यादा रहती है, बाद में एनर्जी जो है वो डिवाइड हो जाती है। एनर्जी बाद में कभी भी बढ़ती नहीं है, या तो उतनी ही आएगी इज इक्वल टू आएगी या फिर ग्रेटर आएगी, इसलिए मैंने ये साइन बनाया है। तो ये वाली एनर्जी की बात हुई कि जो आफ्टर एनर्जी आएगी कोलिजन के बाद, तो एनर्जी इस वाली एनर्जी से कुछ लेस ही होगी या दो फॉर्म में टूट गई होगी। लाइट एनर्जी आई, लाइट जो एनर्जी बची, लेकिन लाइट एनर्जी जो है वो किसी और हीट एनर्जी में भी डिवाइड हो गई। ये आई थी 12 जूल, ये मिल गई 11.5 जूल, और ये +5.5 जूल किसी और फॉर्म में जाया हो गई। तो ये वाली एनर्जी हमेशा या तो उतनी ही आएगी, लेस आएगी, लेकिन ग्रेटर नहीं आ सकती। यहाँ ये कह रहे हैं इंक्रीज का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इंक्रीज नहीं हो सकती। अब एनर्जी को कह रहे हैं कि इस एनर्जी की, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, नॉट पॉसिबल। फ्रीक्वेंसी को कह रहे हैं कि इंक्रीज हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकती। हाँ कम हो सकती है, तो कम होने का मतलब कि वेवलेंथ अगर बढ़ जाए, तो ये आपको बताया कि बेटा अगर वेवलेंथ हम बढ़ाएंगे बेग तो एनर्जी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। क्योंकि वेवलेंथ का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन आता है, इन्वर्स आता है।
अगर वेवलेंथ बढ़ गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो हाँ ये ऑप्शन हो सकता है कि इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ इसका आंसर होगा वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इंक्रीज। ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद 2006 में देखते हैं, द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज। तो मोमेंटम जो होता है फोटोन का, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा? एच ओवर लैम्डा। तो फोटोन का मोमेंटम हमारे पास बेटा क्या होता है? एच ओवर लैम्डा। और अगर वेवलेंथ को हम रख दें सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो सी अपॉन एफ बराबर हो गया वेवलेंथ के। तो एच अपॉन वेवलेंथ की जगह हम ये रख देंगे सी डिवाइड बाय एफ, एफ ऊपर चला जाएगा, एच एफ अपॉन सी। तो मोमेंटम को यूं भी लिख सकते हैं हम और यूं भी लिख सकते हैं, ये वेवलेंथ फॉर्म है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी फॉर्म है। सही है भाई। हाँ भाई इसका आंसर क्या होगा सिद्रा बेटा, आप बताइए। द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू। टी पावर फोर। जी बेटा वेरी गुड। हमने इस पे लॉ भी पढ़ा था कि फोर्थ पावर लॉ जिसको हमने कहा था कि इंटेंसिटी जो है वो एमिसिव पावर या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की फोर्थ पावर से। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है ये। अच्छा जी, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल। बिलाल क्या आंसर होगा इसका? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है तो क्या होना चाहिए वहां पे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और टेम्परेचर की पावर प्लस फोर। हाँ इन कॉम्पटन इफेक्ट स्कैटरिंग फोटोन, इसका आंसर अहमद मुस्तफ़ा आप बताइए, माइक ऑन कीजिए और सर बताइए क्या आंसर होगा इसका। ये कॉम्पटन इफेक्ट में स्कैटरिंग फोटोन की क्या क्या इंफॉर्मेशन सही है? ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, स्मॉलर वेवलेंथ, दूसरा वाला, तीसरा या चौथा? चौथा तो खैर नन ऑफ द अबव है। स्कैटर्ड फोटोन के साथ क्या होता है? उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बढ़ जाती है, कम होती है, क्या होता है? जी मुस्तफा। हाँ अब्दुल राफे ने बिल्कुल सही बताया कि स्मॉलर फ्रीक्वेंसी एंड ग्रेटर वेवलेंथ। ठीक है बेटा, ये बात हम पढ़ भी चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास ये फोटोन आया, इसकी वेवलेंथ लैम्डा वन थी, फ्रीक्वेंसी एफ वन थी, और ये जब किसी मटेरियल से टकराया इसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया और ये खुद यहाँ पर स्कैटर्ड हो गया। तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा टू आ जाती है, जो लैम्डा टू बड़ी होती है एज कम्पेयर टू लैम्डा वन, और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ टू होती है, फ्रीक्वेंसी की अमाउंट कम हो जाती है, तो एफ टू लेस देन होती है, एफ वन बड़ी होती है। तो यही इसका आंसर है कि इसकी वेवलेंथ जो है वो बिग है और फ्रीक्वेंसी क्या है? स्मॉल है, यानी ग्रेटर वेवलेंथ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। सही है।
वेवलेंथ ऑफ अ मटीरियल पार्टिकल एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्या आंसर है, कौन सा? बाज आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। एच ओवर एम वी। ठीक है, एच ओवन एम वी लास्ट वाला, ये वो नहीं हो सकता, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट नहीं हो सकता, ये हो गया। चलो ठीक है, एच अपॉन एम वी। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज, अगर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो उसका एब्जॉर्प्शन 100% माना जाता है। कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन, नहीं ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वही सवाल है। कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन, इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी, ऑफ लाइट, वेवलेंथ, स्कैटरिंग एंगल। हाँ सिद्धरा बेटा बताइए क्या आंसर होगा इसका। कॉम्पटन सर शिफ्ट एंगल, एंगल, शाबाश। इस कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा, एंगल पे करता है। इसका सोल्यूशन क्या कल कराया था मैंने, यानी कॉम्पटन जो शिफ्ट आया, कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब होता है डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा को ही हम क्या कहते हैं, शिफ्ट या चेंज, इसी को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, एच अपाउंड एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। तो बेटा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, एच अपाउन एम नॉट सी। एच एम नॉट सी सब क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, तो क्या बचा, वन भी कॉन्स्टेंट है, कॉस के साथ एंगल आ रहा है। हाँ इस एंगल पे डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है, एंगल कम है एंगल ज़्यादा है तो उस पर डिपेंड करेगा। तो किस पे डिपेंड करता है, ओनली स्कैटरिंग एंगल। तो स्कैटरिंग एंगल। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर एप्लीकेबल ओनली ऑन इनर्शियल फ्रेम, गैलीलियन सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम पे अप्लाई होती है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है, हैज अ यूनिट एब्जॉर्प्टिव पावर भी होती है, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट रेडिएटर भी है। तो तकरीबन ऑल ऑफ देम ही आंसर हो रहा है इसका यहाँ पे। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन, इलास्टिक कोलिजन, पेयर प्रोडक्शन एनिहिलेशन या रेडियोएक्टिव एमिशन, क्या होगा आंसर? सिद्दीक आप बताइए। सर पेयर प्रोडक्ट। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन भी और एनिहिलेशन दोनों, क्योंकि एनर्जी मास दोनों के एविडेंस हैं, एक बताता है एनर्जी का मास में कन्वर्ट होना और एक बताता है मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना। चलें ये भी हो गया। अच्छा जी, द एक्सप्रेशन लैम्डा मैक्स टी यकीनन स्टीफन रोविंस लॉ है आपके पास। द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये वही टेम्परेचर की फोर्थ पावर से बिलोंग करता है, सही है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होगा भाई, इसका आंसर क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की कंडीशन होती है कि एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा हो किससे, वर्क फंक्शन से। तो क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, तो ये आंसर है इसका, एच वी इज ग्रेटर देन, यानी एच इंटू फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फाई नॉट, देख लीजिए। हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक की जो कंडीशन होती है हमारे पास क्या होती है, कि एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर होना चाहिए वर्क फंक्शन से। इन्होंने एनर्जी ऑफ फोटोन को यहाँ पे एच इंटू एफ फाई नॉट लिख दिया है,
और ये मैं बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, उन्होंने न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो नहीं पढ़ाया मैंने भी आपको, ये नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ा दिया सर, मैं पढ़ाया बेटा, नहीं पढ़ा अनसर्टेनिटी, नहीं पढ़ाया था। पढ़ाया है ऐसे दी, पढ़ाया अनसर्टेनिटी, नहीं अभी नहीं पढ़ा ना। हाँ चले, बहरहाल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे इसका आंसर है एनर्जी डेल्टा टी एच कट एनर्जी, ये एनर्जी, तो एनर्जी ये वाला आंसर है इसका। बहरहाल द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन व्हाट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02, 0.51, नन ऑफ दीज। जी भाई क्या आंसर है? वन पॉइंट जीरो टू, ठीक है, जिसको हम रेस मास, ट्वाइस ऑफ रेस मास ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या 2 m0c² भी कहते हैं। द एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी टेम्परेचर की +4th पावर से होती है, ये बात हम कर चुके हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेज, द वेवलेंथ कोरिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होगा। द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन इज कितनी है बेटा, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ भाई इसका आंसर कौन देगा, 46 का। अगर काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, लाइट के साथ लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, वेवलेंथ बढ़ानी होगी, या वेवलेंथ इंटेंसिटी दोनों बढ़ानी होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, जैसे हमने रेड लाइट से ब्लू लाइट की थी तो उनको रोकने, इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ गई थी, रफ्तार बढ़ गई थी उनको, फिर रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ा था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, मास ऑफ अ पार्टिकल विद स्पीड ऑफ लाइट विल बिकम, क्या होगा इसका आंसर भाई? ये कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करे तो उसका मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मैं प्रूफ करा देता हूँ, आप लोगों को देख लें इसका प्रूफ। पहले एक जनरल बात बता रहा हूँ, ये शायद आप लोगों को पता होगी, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं बेटा। ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि किसी भी वैल्यू की, एनी वैल्यू की पावर अगर 0 हो जाए तो हम उसको 1 लिखते हैं। मैट्रिक में पढ़ा होगा, ए की पावर 0 1, बी की पावर 0 1, एक्स की पावर 0 1, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात थी जो पता है आपको। इसी तरीके से 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो, एनी वैल्यू, तो उसका आंसर क्या आता है, 0। लेकिन अगर किसी भी वैल्यू से 0 डिवाइड में आ जाए तो ये अनडिफाइंड कंडीशन कहलाती है, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, लामतनाही, अननोन, पता नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि 1 और 3 के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, अगर मैं डिस्क्रीट पूछता हूँ आपसे कि डिस्क्रीट बताएं, डिस्क्रीट नंबर, तो आप कहेंगे सर 1 और 2 के दरमियान, 3 के दरमियान सिर्फ 2 आ सकता है। चलें सही है, आंसर हो गया।
अब अगर हम कंटिन्यूस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वन और थ्री के दरमियान अगर मैं आपसे पूछूं कितने डेट्स हैं तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट है, नहीं पता, नहीं बता सकता मैं आपको कितने डेट्स हैं। क्यों? वन के बाद 1.1 भी आ सकता है, 1.111 भी आ सकता है, 1.112 भी आ सकता है, 1.12, 1.113, फिर टू की सीरीज शुरू कर दें, टू 2.1, 2.2, 2.21, सो ऑन 3. तो इस तरह से बेटा ये काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होगी। तो एक और तीन के दरमियान डिस्क्रीट में तो एक वैल्यू आएगी टू, और वन और थ्री के दरमियान कंटिन्यूस में अनकाउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे। तो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता, जैसे कहते हैं स्पेस में कितने, हमारी स्पेस में कितने वो स्टार्स हैं, बिलियन ट्रिलियंस है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, नहीं पता हम नहीं बता सकते। तो ये इनफाइनाइट का एक कॉन्सेप्ट पता होगा आप लोग, वैसे तो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, आप सबको ये बातें पता होंगी। बहरहाल ये मैंने बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है मैं मेडिकल को ही पढ़ाता हूँ, तो मेडिकल क्लास को बिल्कुल अलिफ से शुरू करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है, ABCD से स्टार्ट करना पड़ता है, वरना उन्हें समझ में नहीं आती चीज़ें बच्चों को। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन, कौन सा MCQ है हमारा, MCQ नंबर 47। इसमें ये कह रहे हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, देन फाइंड इट्स मास। तो बेटा डेटा में देख लीजिए, यहाँ पे रफ्तार सी के बराबर हो चुकी है, बहुत बड़ी बात है। अब आपको बताना है उसका रिलेटिविस्टिक मास, देखते हैं भाई सॉल्यूशन पे आते हैं। तो फॉर एम रिलेटिविस्टिक का फॉर्मूला आपको पता है कि एम बराबर है एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, वैल्यू प्लेस कर दें भाई, वी की जगह क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, कि एम बराबर हो गया एम नॉट अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय, और सी की जगह सी ही रहेगा, सी से सी खत्म हुआ, एम नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट वन माइनस वन हुआ, डिवाइड होके वन हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, डिवाइड हुई, अब कैंसिल होंगे, अब ये हो गया कैंसिल, वन ने वन को काट दिया, तो क्या बचा अंडर रूट जीरो, यानी ए अपॉन जीरो। तो इसका आंसर क्या आ गया, इनफाइनाइट। ये इसका सलूशन है, इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग, ये रीजन आ सकता है। किसी को प्रॉब्लम इससे भाई? अच्छा, हाँ भाई हो गया यहाँ तक।
सही, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर हमारे पास इन्फानाइट था। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लैम्डा मैक्सिमम टाइम, ये वेन्स लॉ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, कई बार पढ़ चुके हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे ये है, ये फिलहाल अभी आपने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन का रेस्ट मास होता है 0, ये बात याद रखिएगा। द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 0। टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज रेज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर अ सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी, इस पूरे जुमले का मतलब है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की किस पावर के साथ रिलेट करती है? टेम्परेचर की फोर्थ पावर के साथ। अभी सिद्धरा ने भी बताया था इसके जवाब, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था आपको। ठीक है, टी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एच अपॉन एम वी है ना। फोर्थ, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रेयर प्रोडक्शन 1.02 और मे बी ग्रेटर। ठीक है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लैम्डा मैक्स टेम्परेचर वेन्स लॉ है। इन स्कैटरिंग जी बेटा, इन स्कैटरिंग, इन कॉम्पैक्ट स्कैटरिंग, स्कैटर्ड फोटोन के पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी लेस देन इंसिडेंट, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इंसिडेंट, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ शॉर्टर देन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ बड़ी होती है। देखें, वेवलेंथ बड़ी का वर्ड तो नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी कम का वर्ड कहाँ नजर आ रहा है? सेम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर नहीं दे रहा। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मैंने आपको बता दिया अभी, एक्सपोनेंट -13 जूल के बराबर है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमारे पास क्या होता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर फोर्थ सिग्मा। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल, अगर मूविंग इयर्स यूनिफॉर्म रफ्तार से मूव कर रहा हो। इन फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या होगा? ये कौन बताएगा? 61। अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पा रहा प्लेट तक, करंट 0 हो जाए। तो क्या करना होगा यहाँ पर, किस चीज़ को हमें बढ़ाना होगा या कम करना होगा? ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंक्रीज करेंगे। तो बाय इंक्रीजिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे जब मैं आपको मैंने वीडियो दिखाई थी और अपनी जो प्रेजेंटेशन दिखाई थी उसमें मैंने रेड वाले फोटोन को -3 वोल्टेज दिए थे तो सारे फुल इलेक्ट्रॉन रुक गए थे, लेकिन ब्लू लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हमें -4 देना पड़ा था क्योंकि उनमें ताकत ज़्यादा थी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसके बराबर है, सही है भाई। पार्टिकल हैज नो चार्ज, नो रेस्ट मास एंड इंटरेक्ट विद चार्ज एज वेल एज न्यूट्रल पार्टिकल। ऐसा कौन पार्टिकल है भाई जिसके पास ना चार्ज है, उसका रेस्ट मास भी 0 है? फोटॉन, वेरी गुड। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ टिक हुआ हुआ है। इफ एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इफ द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज इक्वल टू 2m0c². सही है। तो यहाँ पे बेटा हमने ये इसके चैप्टर नंबर 9 के 17 के सारे BIEK के पास प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। ये वाला तरह मैं आपको करा देता हूँ,
पेयर प्रोडक्शन ओनली पॉसिबल, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका कल मैंने आपको आंसर बताया था एक्सपोनेंट माइनस टेन, लेकिन आज हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, क्योंकि मुझे कुछ डाउट लग रहा है इसमें, मैंने कल ऐसे बगैर सोचे बोल दिया था। इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं कि क्या एनर्जी आती है। काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है एमसीक्यू। तो कौन सा एमसीक्यू है? एमसीक्यू नंबर 12, क्वेश्चन 12। पेयर प्रोडक्शन में हमें पता है एनर्जी जो है बेटा वो ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए टू एम नॉट सी स्क्वायर के। चलिए करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। मान लेते इसकी एनर्जी अगर इतनी है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वो, तो वेवलेंथ निकालते हैं इसकी, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो फॉर वेवलेंथ हमें पता है एनर्जी बराबर है एच सी ओवर लैम्डा के, लेकिन ये फॉर्मूला किस में होता है? जूल में। हमें चाहिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई बाय चार्ज, जिससे किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर डिवाइड किया 10 की पावर 6 से, तो किस में आ गया? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। थोड़ा अभी आदत बनाए जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की, अलग अलग स्टेप में करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसकी जो है वो वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं।
हाँ बेटा, वो जो है क्या आंसर है आप लोग का? नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कॉलेज में ही हूँ मैं, नेट एकदम डिस्कनेक्ट हो गया है। आप लोग अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए। क्या आंसर आया उसका वेवलेंथ का? आई थिंक एक्सपोनेंट -12 10 आया होगा शायद। ठीक है, मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन, तो आइए आपका आंसर आएगा एक्सपोनेंट -12 10। होगा। अब ऑप्शन में हमारे पास जो एक्सपोनेंट -10 है, -14 है, तो यानी मतलब यह है कि अब हमने इसकी एनर्जी को इसके बराबर माना, तो इसकी एनर्जी इतनी है, यानी वेवलेंथ अगर इतनी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। स्क्रीन पे क्लिक करके उसको वो करने से, यानी अगर एनर्जी इतनी होगी, इतनी वेवलेंथ पर ये एनर्जी मिलेगी, और अगर इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको वेवलेंथ मजीद क्या करनी पड़ेगी, वेवलेंथ को और कम करना पड़ेगा। तो इसका असल आंसर क्या होगा? 10^14। क्योंकि अगर मैंने आपको -10 बताया था, -10 पे अगर आप जाएंगे, अगर आपने वेवलेंथ बढ़ा दी तो उस पर एनर्जी 1.02 से कम हो जाएगी, हो सकता है 1 MeV हो जाए, तो पेयर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ओके क्लास, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखें इंशाल्लाह। अब कल से आपकी वेकेशन है, पढ़ाई जरूर करिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, डिस्कस करना हो तो खुद से पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, ख्याल रखिए अपना, और खाने पीने भी ख्याल रखिएगा, ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट आपको, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।